कला क्या है uh, सिर्फ म्यूज़िक पोइट्री या पेंटिंग ही कला है और यू uh, नो you know, इतनी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक दुनिया के लिए प्रैक्टिकली कला का क्या कुछ यूज़ है डज इट लीड टू समथिंग देखिए नाट्य शास्त्र में भी कला और रस बिल्कुल साथ साथ चलते हैं hmm. Hmm? और रस क्या है सत्य को ही रस भी बोलते हैं उपनिषद कहते हैं ना रसो वैसा और कला बिना रस के हो नहीं सकती ऐसी कौन सी कला जिसमें रस ना रस नहीं रस है रसास्वादन के लिए ही तो आदमी कला की ओर जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि कला की क्या परिभाषा हो सकती है और कला की बहुत सीधी सटीक परिभाषा है अगर आप वेदांत से पूछें तो जब मन सत्य की ओर बढ़ता है टटोलते टटोलते गिरते पड़ते कोहरे में किसी तरह देखते उसे बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी उसे कुछ अनुमान हो रहा है कुछ धुंधलके में दूर रोशनी सी प्रतीत हो रही है तो उधर को बढ़ रहा है तो मन सत्य को तलाश रहा है कुछ उसे थोड़ी झलक मिल रही है कुछ उसको कहीं से जैसे संदेश सा मिल रहा है मध्यम सा और उस स्थिति में उसकी जो अभिव्यक्ति होती है सत्य की तरफ बढ़ते हुए यात्रा के दौरान वो जिस भी तरह की अभिव्यक्ति करता है उसे कला कहते हैं तो कला एक तरह से मन और सत्य के बीच का सेतु हुई आप सत्य के विपरीत जा रहे हो तब आपके अभिव्यक्ति को कला नहीं कह सकते इसीलिए आजकल बहुत कुछ जो कला के नाम पर प्रचारित हो रहा है मैं उसको कला मानता ही नहीं आप जो ये जो साधारण अपसंस्कृति फैली हुई है आप उसी को देख लीजिए बच्चे बेहूदे गानों पर नाच रहे हैं और इसको कहा जाता है कि ये तो कला है नहीं ये कला नहीं है कला वही है जो सत्य की ओर आपको ले जाए या आप जब सत्य की ओर बढ़ने का इरादा रखते हो तब आप अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति जिस भी रूप में करें वो कला होगी आप बोलें तो उसमें कला होगी आप गाएं आप नाचें लिखें कुछ भी कर सकते हैं आप इतना कुछ संभव है प्रकृति में मनुष्य के द्वारा किया जाना जब भी वो सत्य की ओर दृष्टि रख के किया जाता है उसे कला कहा जा सकता है लेकिन अगर आपकी गतिविधि ऐसी है कि वो आपको और ज़्यादा झूठ और भ्रम की ओर ले जा रही है तो फिर आपकी अभिव्यक्ति कितनी भी उत्तेजक या चकाचौंध से भरी हुई क्यों ना हो उसे कला नहीं कहा जा सकता इसी से जुड़ा हुआ शब्द है फिर प्रतिभा कि प्रतिभा क्या है टैलेंट क्या है वो भी वही बात है कोई बिना सीढ़ी की सहायता से के ये सामने वाली इमारत की छत पर चढ़ सकता हो इसे प्रतिभा नहीं कहते ये प्रतिभा नहीं है हम मनुष्य हैं भूलिए मत hmm. और मनुष्य की पहचान उसकी चेतना है hmm. तो प्रतिभा का भी संबंध चेतना से होना चाहिए hmm. वास्तव में सिर्फ चेतना की ही प्रतिभा हो सकती है hmm. सिर्फ कॉन्शियसनेस hmm. में ही टैलेंट हो सकता है hmm. और क्या परिभाषा हुई फिर प्रतिभा की हाई कॉन्शियसनेस हाँ वो चेतना hmm. जो आतुर है भांति भांति से ऊंचाई पर बढ़ने को उस चेतना को प्रतिभाशाली चेतना कह सकते हैं तो प्रतिभा हमारे भीतर की आतुरता है सच्चाई को पाने की हम बहुत जोर से दौड़ लेते हो क्षमा कीजिएगा इसको प्रतिभा नहीं कहा जा सकता हुँ? ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं और बहुत जानवर जितनी तेज़ी से दौड़ लेते हैं इंसान उतनी तेज़ी से कभी नहीं दौड़ सकता तो जब भी हम प्रतिभा की बात करें हमें पूछना पड़ेगा कि ये सारे काम क्या जानवर कर सकते हैं या फिर मशीनें कर सकती हैं अगर वो काम जानवर कर सकता है या एक प्रोग्राम्ड मशीन कर सकती है तो उसमें प्रतिभा जैसी कोई बात नहीं समझ रहे रोबों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से नचाया जा सकता है और वो बिना थके ऐसे नाच सकता है ऐसे कोई इंसान नहीं नाच सकता हुँ। हुँ? इसी तरह गाना गाने की जो बात है हम भली जानते हैं कि मशीनें बहुत खूबसूरती से गा सकती हैं और इंसानों की तो वोकल रेंज पर फिर भी कुछ सीमा होती है मशीनों की बहुत बढ़ाई जा सकती है और आने वाले समय में दस साल बाद बीस साल बाद मशीनें और बढ़िया गा रही होंगी गा ही नहीं रही होंगी जो साधारण किस्म के बोल होते हैं गीत होते हैं मशीनें उसको लिख भी सकती हैं तो ये सब प्रतिभा नहीं है प्रतिभा है कुछ ऐसा कर जाने में जो न तो जानवर कर सकता हो ना मशीन कर सकती हो ना सुपर कंप्यूटर कर सकता हो और वो चीज़ तो देखिए भीतर की एक ललक में ही होती है प्यार में ही होती है वो चीज़ मशीनों के बस की बात नहीं और जानवर भी प्रेम नहीं जानते जानवर मोह इत्यादि जानते हैं लेकिन प्रेम नहीं जानते तो प्रतिभा यही है कि न जाने किसकी पुकार थी नहीं। 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 और उस पुकार के जवाब में दीवार पर कुछ उकेर दिया मैंने ये प्रतिभा है नहीं। नहीं। एक बच्चा बैठा हुआ है और वो हाथ में रंगीन कलम लेकर के दीवार गोद रहा है इसको प्रतिभा नहीं कह सकते ना तो निन्यानवे प्रतिशत जो कुछ हमारे सामने परोसा जाता है प्रतिभा और टैलेंट के नाम पर वो प्रतिभा नहीं होता और निन्यानवे प्रतिशत हमें जो दिखाया जाता है कला के नाम पर वो कला आर्ट नहीं होता ये सारी भूलें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी मूलभूत पहचान याद ही नहीं रखते hmm. हमेशा पूछना चाहिए कि कोई बोले दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट आप पूछिए फॉर होम ये कला है परंतु किसके लिए अगर मेरे लिए कला है अगर तुम चाहते हो कि मैं घोषित करूं कि ये कला है तो याद रखो कि मैं कौन हूं hmm. Hmm? मैं एक आह हूं मैं एक शिक्षक हूं मैं एक आंसू हूं मेरे लिए कला कैसे हो सकती है कि कोई दौड़ के पहाड़ पे चढ़ गया कि पेड़ पे चढ़ गया इसमें कौन सी कला है हुँ? या कोई अपना हाथ झमाझमा के नाच रहा है इसमें कौन सी कला है इसीलिए भारत में नृत्यों की भी जितनी शैलियां हुई वो सब मूलतः आध्यात्मिक थी क्योंकि भरतनाट्यम में भी तो मुद्रा ही और मुद्रा योग से आए बिल्कुल, योग बिल्कुल आध्यात्म का कथक है। में भी वही बात है वो कथाएं क्या है बिल्कुल वो बात सारी वही है तो यू ही उल्टा पुल्टा नाच देने में भले ही वो नाच बड़ा सम्मोहक लग रहा हो कि वाह कितनी इसकी हड्डियां एक साथ उछल रही हैं कूद रही हो ये होकर वो कला नहीं है वो पशुवत काम है और आप कहेंगे नहीं साहब बंदर नहीं नाच सकता ऐसे तो मशीन नाचेगी कल को ऐसे मशीन इससे बेहतर नाच के दिखाएगी ये नहीं है लेकिन परम शक्ति को नमन करते हुए या परम शक्ति के प्रेम में कोई मशीन कभी नाचने नहीं वाली कोई पशु कभी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करने वाला परम के प्रेम में जो नृत्य हो वो कला है हर साधारण नृत्य कला नहीं बोला जा सकता अहंकार अपनी बेबसी और अपनी तड़प को अभिव्यक्त करते हुए जब गाए तो वो गीत कला हुआ हर साधारण गीत कला नहीं हो जाता वो यू ही है बस बकवास हम इतना कुछ यू ही बोलते रहते हैं प्रलाप वो ऐसे ही प्रलाप कर दिया इधर उधर तो उसे कला नहीं कह सकते तो कलाकार शब्द हल्का नहीं होता कि आप बंदर नचाने वाले को कलाकार बोल दें या रियलिटी शो वालों को कलाकार बोल दें यह कलाकार नहीं है न ये कलाकार है और ना इनमें कोई प्रतिभा है प्रतिभा और कला शब्द बहुत ऊंचे शब्द हैं एक छोटा बच्चा है वो एक बिढ़ंगा गीत गा रहा है अपनी तोतली आवाज़ में और जो गीत है वो बिल्कुल बेहुदा है हुँ? हुँ। और अपनी तोतली आवाज़ में गा दे रहा है, रहा है देखो बच्चे में बड़ा टैलेंट है आप चूंकि इस तरह की बकवास करते हैं इस हरकत को आप टैलेंट बोल रहे हैं इसीलिए तो फिर दुनिया की ये दुर्दशा है हुँ। हुँ? हुँ। तो कला और सौंदर्य के बीच में एक पैरेलल है क्या क्योंकि हम इतना इनचेंटेड रहते हैं बाय ब्यूटीफुल फॉर्म्स नदी पहाड़ पंछी ये सुंदरता या ब्यूटी जैसे बोलते हैं और इज इट पॉसिबल टू मेक यू नो योर लाइफ अ मास्टरपीस ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी वो अपने आप बन जाएगी आपको लाइफ नहीं सुधारनी है आपको स्वयं को सुधारना है जीवन जीने वाला जीव है ना जीवन के केंद्र में जीव है और जीव माने अहंकार उसी को जीवात्मा भी बोलते हैं तो जीवन को ठीक करने के लिए जीव को ठीक किया जाएगा ना वो फिर जीवन अपने आप आप ठीक आप है आप जो कुछ भी करेंगे वो कलात्मक ही होगा स्वयं को ठीक करना होता है आप ठीक नहीं हैं, तो भी आपके जीवन में ये सब शब्द होंगे कला प्रतिभा भी आपने सौंदर्य कहा ये सब शब्द होंगे पर आपकी जो उनकी परिभाषा होगी वो बड़ी विद्रूप होगी टूटी फूटी उल्टी पुलटी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो न कहता हो कि उसे कुछ सुंदर लगता है सभी कुछ को कुछ ना कुछ सुंदर जरूर लगता है कोई बोलता है आई फाइंड दैट ब्यूटिफुल कोई बोलता है मुझे ये पसंद है कोई इसी तरह से हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से प्रेम भी होता है नहीं। हुँ? नहीं। कोई बोलता है आई लव गॉड कोई बोलता है आई लव चिकन तो लेकिन समझ रहे हैं तो ये लव और ब्यूटी सौंदर्य प्रेम इत्यादि शब्दों का प्रयोग तो सभी करते हैं लेकिन उन शब्दों का स्तर और उन शब्दों में निहित अर्थ उतने ही ऊंचे होते हैं जितने ऊंचे आप हैं तो जीव को ऊंचा उठना होगा जीव ऊंचा है तो उसका प्रेम भी ऊंचा होगा नहीं तो प्रेम के नाम पर धांधली जैसी होती है चारों तरफ नहीं तो सौंदर्य के नाम पर खाल की पूजा जो होती है चारों तरफ आप खुद अगर एक सतही जीवन जी रहे हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति की भी तो बस सतह ही देखेंगे सतह माने खाल और जहाँ आपको ज़्यादा आकर्षक खाल मिल गई वहाँ आप कह देंगे मुझे प्रेम हो गया क्योंकि वहाँ सौंदर्य है न वहाँ सौंदर्य है ना आपको प्रेम हुआ है तो वास्तविक सौंदर्य वही जान सकता है जो अपने अपने जीवन को एक वास्तविक ऊंचाई पर ले जा रहा है फिर वैसों के लिए और सिर्फ वैसों के लिए कहा है सत्यम शिवम सुंदरम फिर उसको इधर उधर व्यर्थ चीज़ों में सौंदर्य दिखना बंद हो जाता है कहता है शिव में ही सौंदर्य है सत्य मात्र में सौंदर्य है पर अगर हमारा जीवन ऐसे ही है निचला सा तो हमको असत्य में ही ज्यादा सौंदर्य दिखता है आप अगर अधिकांश लोगों का जीवन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको जिन जिन चीज़ों में सुंदरता दिखती है वो शत प्रतिशत झूठी है उनको कुछ सुंदर लगे इसकी शर्त ही यही है कि वो चीज झूठी होनी चाहिए झूठी होगी तो ही सुंदर लगेगी सच्ची हो गई तो उनको झंझट हो जाता है बड़ी तकलीफ हो जाती है कि ये क्या मेरे सामने आ गया हटाओ हटाओ एकदम मुंह बिधक जाता है उनका याद रखिए न तो संसार अपने आप में कोई विशिष्ट अर्थ रखता है न किसी शब्द का कोई विशिष्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक अर्थ है संसार आपके लिए है तो आप अपने संसार में अर्थ भरते हैं ये सामने एक पौधा है आपके लिए इसका जो अर्थ है मेरे लिए हो सकता है इसका अर्थ उससे बहुत भिन्न हो क्योंकि हम दोनों भिन्न हैं ये दीवार हम दोनों के लिए एक नहीं है और अभी यहाँ जितने लोग आएंगे दीवार को देखेंगे सबके लिए दीवार अलग है आपको आश्चर्य होगा आपको कह रहे दीवार तो सबके लिए एक होती है नहीं होती है दुनिया की हर चीज़ हर विषय हर ऑब्जेक्ट हर देखने वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है इसी तरह से हर शब्द भी कहने वाले व्यक्ति के लिए और सुनने वाले व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है आप सौंदर्य कहें आपका जो अर्थ है सौंदर्य से वो मेरा नहीं होगा और इसीलिए बड़ी गड़बड़ हो जाती है अब, हम तो सौंदर्य के साथ अभी प्रेम की बात कर रहे थे आप कहें किसी से कि मुझे प्रेम है मान लीजिए आप कहते हैं मुझे प्रेम है तुमसे वो व्यक्ति इस वाक्य का जो अर्थ कर रहा है वो आपका अर्थ नहीं है और हो सकता है वो भी कहते हैं हाँ मुझे भी प्रेम है तुमसे लेकिन उसने प्रेम का जो अर्थ करा है वो आपका अर्थ कभी नहीं था लेकिन आपको लग रहा है कि उसने वही कहा है जो आपने सोचा है उसको लग रहा है आपने वही कहा है जो उसने सोचा है कहा दोनों ने ऐसा कुछ नहीं है और फिर इस तरह का भ्रम हो जाता है और उसकी वजह से बाद में बहुत कष्ट खड़े होते हैं क्योंकि हम सब अपने अपने व्यक्तिगत केंद्रों से संचालित होते हैं सत्य से नहीं ऊंचे जाइए और अपने शब्दों को अपने जीवन को अपने संसार को ऊंचे से ऊंचा अर्थ दीजिए